नगर निगम की विभिन्न कॉम्प्लेक्स के 67 दुकानों के प्रीमियम एवं किराया राशि जमा नहीं करने वालों को अंतिम 15 दिनों का मौका दिया गया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिनों के भीतर बकाया जमा नहीं करने की स्थिति में दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को MIC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम द्वारा पूर्व में चिन्हांकित चांदनी चौक के 3 दुकान, जेल परिसर दाईं ओर प्रथम तल की 5 दुकानें, बाईं ओर की 10 दुकानें, मिनी स्टेडियम प्रथम तल 5 दुकानें, मिनी स्टेडियम भूतल 2 दुकान, न्यू प्रतीक्षा बस स्टैंड 3 दुकान, रामलीला मैदान 2 दुकान एवं न्यू कॉम्प्लेक्स के 37 दुकानें, कुल 67 दुकान संचालक ऐसे हैं जो प्रीमियम और किराया राशि का विधिवत भुगतान नहीं किए हैं। अब एक बार फिर MIC की सहमति के बाद निगम की ओर से सभी बकायादारों को अंतिम 15 दिनों के अंदर प्रीमियम व किराया राशि जमा करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद भी यदि बकायादार राशि जमा नहीं करेंगे तो 15 दिनों के उपरांत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। कल के MIC में बैठक में चर्चा करके फैसला किया गया है। और जैसे कि जेल परिसर है, SP कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से हमारे पास किराया और प्रीमियम राशि नहीं आने के कारण से ही 15 दिन का समय दिया गया है। अगर वो लोग 15 दिन के बाद उन लोगों का राशि हमें नहीं मिलती है तो हम निरस्त करके दूसरा किया जाएगा, ताकि हमारे निगम को आय की बहुत ही आवश्यकता है। जो छोटी मोटी दुकानें खुल रही हैं उनको इस तरह से एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए उनको कम से कम जो लॉकडाउन पीरियड का, जो लॉकडाउन के समय का जो भाड़ा था उसको कम से कम माफ़ किया जाए और उसमें सरचार्ज ना लगाया जाए। और जिनका किराया थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है, हमारी मांग ये है कि उसको एक साथ वसूली ना करके उसको अगर किस्तों में देने के लिए सहूलियत दी जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। इस तरह से एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए निगम प्रशासन को।